पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला कयादत ने जिसको भी लाडला बनाया उसी ने कयादत को मुश्किल में डाला। सिंध हुकूमत ने महकमा बल्दियात का कलमदान जिसको भी दिया उसने नेब की तहकीकात का मजा लाजमी चखा। शर्जील मेमन, अवैस मुजफ्फर टप्पी और आगा सिराज दुरानी के बाद मौजूदा वजीर बल्दियात की भी फाइलें नेब हुकाम ने खोल दी है। नेब जराए का कहना है जाम खान शोरों के खिलाफ 21 करोड़ की स्नारकल 50 करोड़ में खरीदने की मंजूरी देने पर तहकीकात का आगाज किया गया है। स्नारकल खरीदारी केस में साबिका एडमिनिस्ट्रेटर को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। नैब हुकाम ने स्नारकल का ठेका हासिल करने वाली कंपनी को पेशगी अदायगी से भी रोक दिया है। नैब हुकाम के मुताबिक वजीर बल्दियात ने मखसूस कंपनी को नवाजने के लिए फायर ब्रिगेड हुकाम की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए 16 व्हीलर स्नारकल खरीदारी की मंजूरी दी। फायर ब्रिगेड हुकाम ने 55 मीटर लंबी स्नारकल खरीदने की रिपोर्ट वजीर बल्दियात को दी थी। केस में मेयर कराची और सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज मसूद आलम से भी नैब हुकाम मुलाकात करेंगे। नैब हुकाम ने तहकीकात के इब्तदाई मरहले में चीफ फायर ऑफिसर तहसीन का बयान रिकॉर्ड करके अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। राशिद सिद्दीक, 92 News, कराची।